चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। और किसी का कोई डाउट हो तो अनम्यूट कर लेना अपने आप को। बाकी सिक्योरिटी में मैंने आप लोगों को चैट करने का ऑप्शन दे दिया है। और बस ठीक है, डन। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड लेते हैं ब्लैक, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर, दैट इज़ लिमिट पॉइंट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग इसका डिराइव्ड सेट पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को एक ही अभी तक बेसिक डेफिनेशन एक ही मैंने आप लोगों को करवाई है, दैट इज नेबरहुड की। और उसी के साथ, उसी से निकली हुई हमारे पास यहाँ पर जो है आप लोगों का इंटीरियर पॉइंट की, यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन थी कि मेरे पास यहाँ पर अगर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ए के कोरोस्पॉन्डिंग फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल होगा जो ए के अंदर कंटेन करेगा। तो कैपिटल ए क्या था मेरे पास यहाँ पर, नेबरहुड का काम कर रहा है। और अगर यही कंडीशन सेटिस्फाइड होकर ए बिलोंग कर जाता है कैपिटल ए के अंदर, तो ए उसके लिए क्या काम कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को ए नॉट या एस नॉट बताया था, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल आईपी, इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन मैंने आप लोगों को करवाया था। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ये वाली जो मैंने बातचीत यहाँ पर करी है। लिमिट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है हमारा यहाँ पर लिमिट पॉइंट। आइए समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, मान लेते हैं कि ए कोई भी मेरे पास आर्बिट्ररी सबसेट है रियल नंबर का, और ए मेरे पास कोई भी रियल नंबर है स्मॉल ए। ये क्या है सबसेट, ये क्या है एलिमेंट। हमने इस एलिमेंट को ही क्या बोला, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। हमने इसको क्या बोल दिया, भाई यही मेरे पास बनेगा लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए का यही लिमिट पॉइंट बन रहा है कब, अगर सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए। देखो मैं साथ साथ आप लोगों को मैं लिख भी रहा हूँ और आप लोगों को बता भी रहा हूँ, है ना। सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, मेरी वीडियो को उठाकर आप लोग लेफ्ट में रख दीजिएगा, सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ उस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़कर हमारे पास नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। बात समझ आई। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी एक रियल पॉइंट नंबर लिया है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल जिसकी इंटरसेक्शन सेट ए के साथ एक्सेप्ट दिस सिंगल पॉइंट, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। तो हम लोग इसको यहाँ पर बोल देंगे कि वो जो स्मॉल ए पॉइंट है वो हमारा एलपी है। स्मॉल ए को हम लोग बोलेंगे लिमिट पॉइंट। सर ये कैसी दुविधा में पा दिया आपने, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सर एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब मैंने बोला कि मान लेता हूं कि 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 क्या है मेरा, लिमिट पॉइंट है। सर अगर ये 1 लिमिट पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब हम यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि सर फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल होगा जिसकी इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ एक्सेप्ट दिस सिंगलटन 1, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन बोलती है, लेकिन क्या ये चीज मेरी ग्राफिकल टर्म प्रूफ कर पा रही है। देखना यहाँ पर ग्राफिकल टर्म, ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, ये है मेरा 1 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ है मेरा 1 प्लस एप्सिलॉन। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल मैंने लिया, क्या उसकी इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर में अब यहाँ क्या क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 1 तो आ रहा है उसकी इंटरसेक्शन में, लेकिन आगे ही डेफिनेशन क्या बोलती है, उस 1 को उस इंटरसेक्शन में से हटा दू। तो मैंने उस 1 को उस इंटरसेक्शन में से हटा दिया, तो हटाते ही मेरे पास क्या वैल्यू बनी, देख सकते हो 1 हट गया। थोड़ा जूम कर सकते हो आप लोग ना, हाँ आप लोग जूम कर लीजिए,
जूम के अंदर जूम कर लीजिए, स्क्रीन को जूम कर लीजिए, हो रहा है तो आप लोग देख सकते हो कि काफी कुछ यहाँ पर गैप यहाँ पर अवेलेबल हो पा रहा है। अब इसी अवेलेबल गैप जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने ये पिंक कलर की लाइन डाली, ये सारा पॉइंट, ये पिंक कलर की जो मैंने यहाँ पर कलरिंग करी है, क्या इसकी इंटरसेक्शन येलो कलर के जितने पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है वो उनके साथ आ रही है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, नो सर, ये सारी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रही है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हम लोग ये बात बोल देंगे, जूम आउट कर लो आप लोग, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वन इज नॉट लिमिट पॉइंट, तो वन इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली मेरे पास इसका टू भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, थ्री भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, फोर भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सर एन तो काउंटेबल है, तो क्या काउंटेबल सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता? नहीं होता। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो अनम्यूट करके एक बार मुझे बता दो, अदरवाइज पूछ लो। सर आ गए। पक्का? हाँ बड़े आगे। इसका यस सर मतलब सर, हम ये बात यहाँ पर बोल दें कि जो अभी अभी हमने एनालिसिस करी है वो क्या एनालिसिस करी है सर? अगर हम कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, सर आपने अभी एक काउंटेबल लिया है, ठीक है, काउंटेबल का पीछे चलो सर, आपने हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर बताया था कि कोई भी फाइनाइट सेट होता है वो हमारे पास काउंटेबल होता है, लेकिन अभी सर आपने ये बात बोली कि कोई भी काउंटेबल सेट है उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है। मेरे माइंड में ये बात आई कि क्या सर हमारे पास फाइनाइट सेट के पास भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्या? अगर ए फाइनाइट सेट है तो क्या उसके पास लिमिट पॉइंट होगा क्या या नहीं होगा? ओके जी, अब एक बार के लिए फाइंड आउट कर लो, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं एक मिनट के लिए ए को मैंने फाइनाइट सेट लिया, तो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, मैंने जानबूझकर ये नंबर लिया, वन टू थ्री फोर एंड बस, ये चार एलिमेंट है, टोटल क्या है, चार, ये क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट इम्प्लाइज काउंटेबल, और सर काउंटेबल सेट के पास तो लिमिट पॉइंट होता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या इस फाइनाइट सेट के पास भी नहीं होगा? सर वेरीफाई कर लें, बिल्कुल वेरीफाई कर लो आप लोग, अब यहाँ पर बोलो कौन सा लिमिट पॉइंट मानोगे, एक दो तीन चार, कौन सा मानोगे? हाँ जी चार चलो चार मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि फोर जो है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए, वो ए का लिमिट पॉइंट है, ठीक है, मैंने एलपी लिखा, आप लोग अपने नोट्स में लिमिट पॉइंट पूरा लिखिएगा। अब अगर फोर इसका लिमिट पॉइंट है, यहाँ है वन, यहाँ है टू, यहाँ है थ्री, यहाँ है फोर, फोर के कोरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल बना लो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फोर माइनस एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा फोर प्लस एप्सिलॉन, एक्सेप्ट दिस सिंगलटन फोर, मैंने अब ये फोर को रिमूव कर दिया, तो एक्सेप्ट दिस सिंगलटन फोर, तो वही सेम जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैंने लॉजिक बताया कि वो एम्प्टी आएगा, सेम यहाँ पर भी आ रहा है कि सर फोर माइनस एप्सिलॉन टू फोर प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल है जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एक्सेप्ट दिस सिंगलटन फोर, वो तो हमारे पास एम्प्टी आ रही है, इसका मतलब फोर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, फोर इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, उनका वो लिमिट पॉइंट नहीं बना, फोर भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, टू भी नहीं है, वन भी नहीं है। इसका मतलब हम ये बात बोल दें कि अगर ए हमारे पास फाइनाइट होता है, अगर ए फाइनाइट है तो इसका मतलब ए डजंट हैव एनी लिमिट पॉइंट, उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, हैव एनी एलपी, उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब सर एम्प्टी सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सॉरी फाइनाइट सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट एम्प्टी, एम्प्टी, दैट्स इट, काम बन गया, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। बड़े आगे, एनालिसिस समझ में आई आप लोगों को? यस yes. अब मैं आप यस लोगों सर को देने वाला हूं यहाँ पर एक सीक्वेंशियल डेफिनेशन, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ एलपी, लिमिट पॉइंट की सीक्वेंशियल डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन बोली कि ए इज एनी आर्बिटरी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड स्मॉल ए इज एनी आर्बिटरी नंबर ऑफ एनी आर्बिटरी रियल नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव
ए माइनस एप्साइलन टू ए प्लस एप्साइलन का एक ओपन इंटरवल होगा जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एक्सेप्ट दिस सिंगलटन ए, वो हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, है ना। ये क्या है मेरी यहाँ पर, ये डेफिनेशन ऑफ एलपी, एलपी की डेफिनेशन है। अगर मैंने एप्साइलन को ले लिया 1/n, क्योंकि ये क्या है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, और जैसे जैसे n बड़ा होता चला जाएगा एप्साइलन के ये करीब होता चला जाएगा। आप लोगों को पता है ना 1/n टेंड करता है जीरो की तरफ, ये कभी भी जीरो नहीं होता, है ना। ये 1/n जो है ये टेंड करता है जब जब n मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है, 1/2 0.5, 1/3 कितना हो गया 0.33, 1/4 0.25, ऐसे सो ऑन करते करते 1/1000 कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, 1/10 lakhs कितना हो जाएगा 0.00001 हो जाएगा। ये कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, मानते हो ना इस बात को। इसका मतलब मैं एप्सिलॉन को 1/n ले सकता हूँ फॉर ऑल n पॉजिटिव के लिए। सर अगर n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अवेलेबल हो रहा है तो इसका मतलब सर ये जो एप्साइलन हुआ जो 1/n है ये पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव होते नहीं, ठीक है। अब इसी एप्साइलन को मैं इसकी डेफिनेशन में जरा दे दूं, डेफिनेशन क्या थी मेरे पास यहाँ पर, ए माइनस एप्साइलन टू ए प्लस एप्साइलन एक ओपन इंटरवल जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एक्सेप्ट सिंगलटन पॉइंट। रिप्लेस कर देता हूं मैं इसको 1/एप्साइलन से, तो ये ए माइनस 1/n कॉमा ए प्लस 1/n का एक ओपन इंटरवल जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एक्सेप्ट दिस सिंगलटन पॉइंट, यस और नो, यस। अब अगर मैं यहां पर ये बात बोल दूं कि मेरे पास एक नंबर यहां पर अवेलेबल रहेगा, देखना एक मिनट के लिए, मैंने यहां पर एक वैल्यू को यहां पर डिफाइन करना है कैसे, n इज इक्वल टू 1 बोल रहा हूं मैं, तो मेरे पास यहां पर एक a1 एक ऐसा पॉइंट होगा जो a माइनस 1 और a प्लस 1 के ओपन इंटरवल में होगा जिसकी इंटरसेक्शन a के साथ एक्सेप्ट दिस a, यहां a1 है और यहां a है, दोनों बातों में फर्क है, क्लियर है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है ये हमारी क्या है नॉन एम्प्टी है, तो मैं कोई भी एक ऐसा एलिमेंट यहां पर ले सकता हूं, यस और नो, यस सर आप ले सकते हो, ठीक है एक मिनट के लिए। अब मैं इतने ही पॉइंट को, एक सेकेंड, अब मैं इतने पॉइंट को यहां पर ले लेता हूं कॉपी, और नेक्स्ट पेज पर जाकर हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट ताकि मुझे लिखना ना पड़े, नहीं होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है बैक आते हैं एक मिनट के लिए। ओके जी, तो मेरे पास यहाँ पर ये a1 वाला पॉइंट है, सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 लिया है तो मेरे पास एक a2 ऐसा पॉइंट बनेगा जो a माइनस 1/2 a प्लस 1/2 के ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन a के साथ एक्सेप्ट दिस a, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तभी तो हम उसको a2 यहाँ पर ले पा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है, मैं a1 और a2 को कैसे ले पा रहा हूँ, ये नॉन एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट उस एलिमेंट को पिक कर दो भाई, नाम दे दो a1, दूसरे को पिक कर दो नाम दे दो a2, कोरस्पॉन्डिंग आप n2 बोल दो उसको वहां पर। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू n टाइप में एक और an मुझे यहाँ पर मिलेगा जो बिलोंग करेगा a माइनस 1/n टू a प्लस 1/n के ओपन इंटरवल में जिसकी इंटरसेक्शन a के साथ एक्सेप्ट दिस a। सर वो भी नॉन एम्प्टी थी इसीलिए आपने ये a1 लिया, यस बिल्कुल इसीलिए आपने a1 लिया। तो मेरे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस मिल रही है a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन an टाइप की, एक मुझे क्या मिल रही है सीक्वेंस मिल रही है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ an वो मेरे पास कहाँ टेंड करेगी, एक ही लिमिट पॉइंट पर टेंड करेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट दिस सिंगलटन पॉइंट a यहाँ पर लिया है, तो ये मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू a होगी, है ना। तो ये an जो होगा वो नॉट इक्वल टू a होगा, an की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू a, क्लियर है, कंफर्म, बढ़े आगे, दिस इज द वे टू डू दिस। तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ सर, आपने इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन से एक ऐसी सीक्वेंस यहां पर बना दी जो कन्वर्ज करती है ए पर, तो दिस इज द ऑल्सो नोन एज द सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। आप लोग अब इसको यहां पर लिख सकते हो नेक्स्ट पेज पर जाके, दैट इज द सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ एलपी, सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट।
आप लोग यहां पर ले सकते हो। क्या है सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट? इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ, इसको आप पूरा लिख देते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए इफ, या पहले वाले इफ को हटा दो, इंग्लिश भी थोड़ी सी। चलो, ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, मेरे पास एक सीक्वेंस यहां पर डिफाइन होगी ए एन टाइप की, जो डिफाइंड कैसे हो रही है, डिफाइंड एज या डिफाइंड ऑन ए सच दैट ए एन टेंस टू ए एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू ए। ए एन टेंस टू ए का क्या मतलब है? सर हमारे पास एक ऐसा नंबर ए एन होगा जो बिलोंग करेगा मेरे पास यहाँ पर ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन के ओपन इंटरवल में, जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एक्सेप्ट दिस ए, वो हमारे पास क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी, तभी तो हम उसको यहाँ पर ले पा रहे हैं। आप लोग लास्ट वाला नॉन एम्प्टी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। आई थिंक आप लोगों के बीएससी में इसको नहीं बताया जाता, अगर पढ़ा है तो बताइए। ये जो सीक्वेंशियल डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की, ये आप लोगों के लिए जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चंस के लिए? जब आप लोग लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग यहाँ पर सीक्वेंशियल डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, सीक्वेंशियल डेफिनेशन का यूज आगे चलकर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। बड़े आगे, पक्का क्लियर है? अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने एक आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सेट बताया था, और मैंने बोला था ये इतना ब्यूटीफुल है कि इसका रीजन मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में दूंगा। ये अब मैं आप लोगों को उसका रीजन यहां पर देने वाला हूं कि मेरे पास 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने इसको BS ब्यूटीफुल सेट क्यों बोला था? ये इतना ब्यूटीफुल है कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट भी इसका खुद का सगा नहीं है। नॉन एकेडमिक कंटेंट, हम फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, सगा नहीं है, इसका खुद का नहीं है, ये वर्ड्स का मैथमेटिक्स से लेना कोई लेना देना नहीं है, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका लिमिट पॉइंट जीरो है, और जीरो डजंट बिलोंग टू 1/n सेट, 1/n सेट के अंदर कभी भी नहीं आता। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, 1/n जो है वो जीरो की तरफ टेंड करता है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, है ना। बड़े आगे, सर अब इसका लिमिट पॉइंट अब हम लोग कैसे ले यहां पर? अब हम इसका यहां पर लिमिट पॉइंट के बारे में क्या विचार है हमारा, यहां पर लिमिट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। अब आपने सर बोला था कि अगर कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पर लेते हैं उसको हम लोगों ने लिमिट पॉइंट कब बोला है, जब a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल जिसके इंटरसेक्शन a के साथ एक्सेप्ट द सिंगलटन पॉइंट a, वो हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, नॉन एम्प्टी, तभी वो क्या होगा, स्मॉल a लिमिट पॉइंट, यही तो बनेगा। यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ 1/n, 1/n वाली टर्म, अब ये जो मेरा 1/n है ये मेरे पास बिलोंग करना चाहिए कहां पर, 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन के ओपन इंटरवल में। क्या ये बात सत्य है? आप लोगों को क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स? माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। ओके ओके, अमित जी आपने बोला, प्रमोद जी, बाकी एक और गर्ल का नेम भी था मैं भूल गया हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ। ट्रू होगा। ओके जी, ट्रू होगा। ओके, बाकी लोग ओके। तो ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, क्यों क्यों ट्रू है? सर आपने बोला यहाँ पर कि ये माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन है, ठीक है सर, इसका मतलब ये जो है ये 1/n ये बिलोंग कर रहा है माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, यही तो बोला आपने। सर माइनस एप्सिलॉन को छोड़ दो क्योंकि ये नेगेटिव तो कभी होएगा नहीं,
सर ये प्लस एप्सिलॉन तक के इतने एरिया में तो ये रह सकता है, ये इसका अपना घर है। जितनी मर्जी आप एन की वैल्यू को बड़ा ले लो, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, जितना मर्जी बड़ा ले लो वो तो होगा ही होगा, यस और नो। मैंने बोला कि मैंने यहां पर 1/100 लिया है, तो ये 0.001 ही तो है यहां पर, वो इसके अंदर यहां कहीं ना कहीं यहां अवेलेबल होगा, तो ये सत्य है, ये हमारे पास ट्रू रिजल्ट है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये ट्रू। बढ़े आगे, पक्का। तो सर ये 1/n जो है ये बिलोंग कर गया हमारे पास इस इंटरवल में, इसका मतलब सर हमारे पास ये जो an है ये टेंड कहाँ कर रही है, जीरो पर टेंड कर रही है बाय द सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। अगर मेरे पास an यहाँ पर टेंड कर रहा है, यही तो वैल्यू है। सर आपने इसको an क्यों लिया, आपके मन में यही तो बात आने वाली है, सर आपने इसको an क्यों लिया। ओके, मैं यहाँ पर अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया है, तो 1 भी बिलोंग कर रहा है 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन के ऊपर इंटरवल में। n इज इक्वल टू 2 लिया है तो 1/2 बिलोंग कर रहा है, n इज इक्वल टू 3 लिया है तो 1/3 बिलोंग कर रहा है, n इज इक्वल टू 4 लिया है तो भी बिलोंग कर रहा है, n इज अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू n लिया है तो भी वो बिलोंग कर रहा है ना, यही तो बात है। तो इसका मतलब सर 1/n इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये ए एन जो है ये टेंड कर रहा है जीरो पर, और बड़ी अच्छी बात है कि ये जो मेरा ए एन है मतलब 1/n ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो बाय द सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट मुझे एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई जो टेंड कर रही है जीरो पर और जीरो के इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ब्यूटीफुल सेट, और ब्यूटीफुल सेट का ये लिमिट पॉइंट बना, और इतना खूबसूरत है ये सेट कि ये अपने ही लिमिट पॉइंट को घर के अंदर नहीं आने दे रहा। जीरो उसका लिमिट पॉइंट तो है लेकिन जीरो उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, डन। दैट्स व्हाई मैंने इसका नेम जो है वो ब्यूटीफुल सेट लिया। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों के माइंड में भी वो क्वेश्चन है, दिमाग अगर आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों के माइंड में आना चाहिए लिमिट पॉइंट को लेकर एक ऐसा रिजल्ट जो पढ़ते पढ़ते दिमाग के अंदर डाउट आना चाहिए था, वो क्या आप लोगों के मन में आ रहा है ऐसा कुछ डाउट जो लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट को कनेक्ट करता हो? बोलो भाई, इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं लेकिन लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बोल सकते ऐसा कुछ। जी जी ठीक है, एक और होना चाहिए बॉयज, देख लो फिर, आप लोग पढ़ते नहीं हो सर, पढ़ते हैं आप तो ऐसे ही डांटते रहते हो हमें है ना, जल्दी बताओ सर। इंटीरियर पॉइंट में ना सारा एलिमेंट्स सेट्स में बिलोंग कर सकते हैं लेकिन लिमिट्स पॉइंट में जरूरी नहीं है कि सेट में बिलोंग करेंगे कोई। शाबाश शाबाश, यही सुनना चाह रहा था मैं सर। यहाँ आपने अभी बताया कि जीरो जो है वो ब्यूटीफुल सेट के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब सर लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो सेट का एलिमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन सर इंटीरियर पॉइंट सेट का एलिमेंट होगा ये परम सत्य है। कैसे सर? सर आपने बोला ना यहाँ पर कि a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल होगा जो कंटेन करेगा a के अंदर, इम्प्लाइज वो एलिमेंट a के अंदर होना चाहिए, तो इंटीरियर पॉइंट सेट का एलिमेंट कंफर्म है, लिमिट पॉइंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो आप लोग इस बात को यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट मार्क करके उसमें लिख लीजिए। शाबाश शाबाश बेटा, पढ़ाई करते रहें अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज लिमिट पॉइंट नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ सेट, वो सेट का मेंबर हो भी सकता है, वेयर एज इंटीरियर पॉइंट
इज द मेंबर ऑफ सेट, वो मेंबर होगा ही होगा, सेट का मेंबर होगा ही होगा, ये परम सत्य है। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आने वाला है, आप क्या यहां पर कुछ इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट के बीच में क्या आप कोई रिलेशन यहां पर बताने वाले हैं, या दोनों ही इक्वल हैं? देखो दोनों इक्वल तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जो पूरा का पूरा कंटेन करेगा ए में, इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना चाहिए। ये लिमिट पॉइंट की सॉरी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। और भाई हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ वो एलिमेंट छोड़कर वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। यहाँ कह रहा है उसके अंदर होना चाहिए, यहाँ कह रहा है उसे छोड़कर नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। इसका मतलब ये एक वे होगा, या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा, इक्वल तो कभी नहीं है, ये एक वे है। तो एक वे क्या है, एवरी इंटीरियर पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट, वेयर एज लिमिट पॉइंट इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट आप लोगों के साथ है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर टू के अंदर रिजल्ट है आप लोगों के साथ, एवरी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज लिमिट पॉइंट, वो आप लोगों के पास क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। तो सर आपका कहने का मतलब है इंटीरियर पॉइंट इंप्लाइज लिमिट पॉइंट, यस यस मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है सर, अब आप इसको प्रूफ करो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दिख नहीं रहा, वाइट ही दिख रहा है ना अच्छे से। चलो चलो ठीक है, अब सर इसके प्रूफ्स देखना है यहाँ पर, मैं वही डेफिनेशन से आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं ये पूरे पीएसटी के अंदर मैं कभी भी डेफिनेशन से आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैं एक डेफिनेशन पकड़ी, दूसरी खोल दी, उसी के अंदर उसी को एडजस्ट कर दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा अगर वो इंटीरियर पॉइंट है, मान लेता हूँ कि मेरे पास स्मॉल ए जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, वो मेरे पास क्या है, आईपी इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जिसकी इंटरसेक्शन सॉरी जो पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेन कर जाएगा, यही तो इसके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। अब जरा ध्यान से देखना एक मिनट के लिए, ये मेरा स्मॉल पॉइंट ए है, ये मेरा कैपिटल ए सेट है क्लोज सेट, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया ये वाला, ये ए प्लस एप्साइलन और ये ए माइनस एप्साइलन। अब थोड़ा सा जूम करना इसी जगह पे, जूम पे जूम करो इसी जगह पे जहां मैं लिख रहा हूं, ऐसे जूम करो ऐसे करके। अब यहां से मैंने क्या किया, ये इरेजर लिया और इस ए को रिमूव कर दिया, दिख रहा है ये ए मैंने यहां पर रिमूव कर दिया। अब ये क्या हो गया, इस सर ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जिसकी इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट आ रहे हैं, जो ग्रीन कलर की शेडेड एरिया है, कौन सा है ग्रीन कलर, सर ये वाला, हाँ ये तो इसी के अंदर आ रहा है, ये ओपन इंटरवल में भी आ रहा है और क्लोज इंटरवल में भी आ रहा है, ये ओपन इंटरवल इसके अंदर भी आ रहा है और सेट के अंदर भी आ रहा है एक्सेप्ट द सिंगलटन पॉइंट। तो सर आप यहां से ये इंप्लाई करने वाले हो, इंप्लाइज ए माइनस एप्साइलिन टू ए प्लस एप्साइलिन, जूम आउट कर लो, अब पहले आपने जूम इन करा अब आप लोग जूम आउट कर लो, दिखा मेरे पास स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा, अच्छा हाँ दिख गया। हाँ तो मेरे पास यहाँ पर ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल होगा जिसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एक्सेप्ट दिस सिंगलटन पॉइंट ए, वो क्या आ रही है मेरे पास, ग्रीन शेडेड एरिया, मैंने उसके आगे ये ग्रीन लगा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वो क्या आ रही है मेरे पास, ग्रीन शेडेड एरिया जो पर्टिकुलरली है क्या, नॉन एम्प्टी। तो सर यहां से ये क्या हो गया है, ये तो पूरी की पूरी क्या बन गई, डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्मॉल ए है वो हमारे पास क्या बन गया, लिमिट पॉइंट, बस बन गई बात लिमिट पॉइंट।
तो सर आपने लिया तो इंटीरियर था, बन गया लिमिट पॉइंट परम सत्य। अब हमें इतना तो पता है कि इक्वल तो नहीं होने वाले ये, फिर भी हम मैथमेटिकल वाले हैं, थोड़ा सा पंगे लेंगे, मान लेते हैं कि लिमिट पॉइंट इंप्लाई करेगा इंटीरियर पॉइंट को। बड़े हमें इतना पता है कि वो इक्वल नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ ऐसा समझेंगे, देखना कैसे। आइए इसका रिवर्स पार्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर। बट रिवर्स पार्ट क्या है सर? एवरी लिमिट पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, आपका कहने का मतलब यही है? हाँ बिल्कुल। सर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम इंटीरियर पॉइंट से। ओके ठीक है, इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि वो लिमिट पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा। पहले मैं इसको करवाने के मैं दो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, पहले एक फिर दूसरा। मान लो कि वो इंटीरियर पॉइंट है, सॉरी लिमिट पॉइंट है, तो ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल होगा जो कंटेन करेगा ए के साथ एक्सेप्ट दिस सिंगलटन पॉइंट ए, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा। सेम इसी तरीके से डेफिनेशन के अंदर मैंने पहले ए को रिमूव किया था, अब मैं ए को इसके अंदर यहाँ पर डाल दूंगा। डाल भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास क्या आ जाएगा? ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल जो ए के साथ इंटरसेक्शन वो क्या आ रही है? नॉन एम्प्टी। अब मैंने ए को उसके अंदर डाल दिया है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। अब ए को डाल दिया तो कोई बात नहीं ना, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए प्लस एप्सिलॉन का एक ओपन इंटरवल होगा जो पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेन कर रहा है, और अगर ये ओपन इंटरवल ए के अंदर कंटेन कर रहा है इसका मतलब ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए आ गया है सर। अभी आप कह रहे थे इक्वल नहीं है, अब यहाँ पर आपने इसको ट्रू प्रूफ करा, ये मैथमेटिकली तो ट्रू, मैथमेटिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये चल रहे हैं, लेकिन ये अनर्थ है। ये अगर ऐसा हो गया तो सर इसका मतलब फिर तो साइंटिस्ट ने लिमिट पॉइंट को इक्वल टू इंटीरियर पॉइंट पहले ही बता देना था, आप 2022 में इसको प्रूफ कर रहे हैं, ये पहले हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर बहुत झगड़े हुए बाद में, हमने कभी अभी यहाँ पर रिजल्ट पढ़ा था कि जो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट सेट का एलिमेंट हो सकता है लेकिन लिमिट पॉइंट सेट का एलिमेंट नीड नॉट टू बी, वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर हो गया तो ठीक है, वो तो ये वाली कंडीशन आ गई जो मैंने ये लिया है, लेकिन हमारे पास मैथमेटिकली एक ऐसी कंडीशन भी है जो इस बात को नेगलेक्ट करती है, कौन सी? ब्यूटीफुल सेट। अब अगर मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल सेट लूँ 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है सर? जीरो जो है इसका क्या है? लिमिट पॉइंट है, और जीरो इस सेट के अंदर नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्यूटीफुल सेट लूँ, जीरो जो है ब्यूटीफुल सेट के अंदर नहीं आता, इसका मतलब हमारे पास अगर वो सेट के अंदर नहीं आ रहा है तो सर आपने अभी अभी बताया कि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन इंटीरियर पॉइंट तो कन्फर्म है सेट के अंदर आएगा। अगर वो सेट के अंदर नहीं आ रहा तो जीरो इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ब्यूटीफुल सेट, वो ब्यूटीफुल सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, है ना? और सर आपने ये बात हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से बताई, एक रीजन तो ये है कि उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है यहाँ पर, है ना? उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है सर, लिमिट पॉइंट है, आपने बोला लिमिट पॉइंट है, लेकिन सर एक और एक ऐसा रीजन आपने हमें बताया था कि अगर कोई सेट फाइनाइट होता है, फाइनाइट इंप्लाइज काउंटेबल, और अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, नीड नॉट टू बी, ऐसा बताया था मैंने आप लोगों को। यस और सर ये आप बात भूल गए, ये जो 1/n है ना ये हमारा काउंटेबल सेट है। ऐसे कैसे काउंटेबल? मैंने आप लोगों को टूल्स फॉर काउंटेबिलिटी करवाया था, किसी भी सेट को अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग 1-1 फंक्शन वहां पर डेवलप कर पा रहे हैं तो वो सेट हमारा क्या होगा? क्या होगा? नेचुरल नंबर, सॉरी काउंटेबल होगा, वो सेट काउंटेबल होगा। अब 1/n को हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग 1/n को n इज इक्वल टू 1, डोमेन का 1, को डोमेन का 1, डोमेन का 2, को डोमेन का 1/2, डोमेन का 3, इसका 1/3, 4, 1/4, n 1/n, है ना? तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग 1-1 यहाँ पर बना पा रहा हूँ, तो हेंस
ब्यूटीफुल सेट इज काउंटेबल, और काउंटेबल के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता। लेकिन सर आपने बोला इसके अंदर सिर्फ इसी यही एक ऐसा ब्यूटीफुल सेट है जिसका लिमिट पॉइंट आता है और उस सेट के अंदर नहीं बिलोंग करता। बिलोंग तो नहीं कर रहा ना, जीरो उसका लिमिट पॉइंट बन रहा है लेकिन वो उसके अंदर बिलोंग तो नहीं कर रहा ना। क्लियर है? ज्यादा टिपिकल तो नहीं हो गया सारी सिचुएशन, कहीं ऊपर से शॉट बज रहे हो ऐसे, शू ऐसा तो नहीं हो रहा ना? बोलो भाई। नहीं तो सर, ओके, कहने का मेरा मतलब यही है कि आईपी इंप्लाई करेगा एलपी को। सीधी सरल भाषा में बात अगर मैं यहां पर करूं तो मेरा इंटीरियर पॉइंट इंप्लाई कर रहा है एलपी को, लेकिन लिमिट पॉइंट कभी भी इंप्लाई नहीं करता इंटीरियर पॉइंट को। आज के लेक्चर की समरी सिर्फ ये चार वर्ड, आईपी इंप्लाइज एलपी, एलपी डज नॉट इंप्लाई आईपी, आज के लेक्चर की सिर्फ और सिर्फ यही समरी है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट एंड द लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट? लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट एंड द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट? यस एवरीवन, सर एक सेट है जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन को डिनोट करता है और उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो सबसे स्मॉल होंगे वो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। ओके और कोई अपने विचार शेयर करना चाहे? कोई बात नहीं, बेशक गलत बताओ सही बताओ, ये मत सोचो कि सामने वाला मेरा क्लासमेट क्या सोचेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है हमारे पास इन्फीमम ऑफ ए, वो ए का इन्फीमम अगर हम लोग निकाल लें तो बनता है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, और अगर हम उस ए का सुप्रीमम निकाल लें तो वो बनता है हमारे पास लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट और लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएगा। हाँ क्वेश्चन समझा पाएगा, सही सुना आपने। देखो एक मिनट के लिए, क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर ए दैट इज एम अपॉन 2^n, और ये एम की वैल्यू जो है भाई वो 2^n से छोटी होनी चाहिए लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ये जो एम और एन है ये नेचुरल नंबर से होना चाहिए लेकिन पर्टिकुलर एम पर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई तुम तो ऑड नंबर पर ही आओगे हमेशा। तो बताओ इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? ठीक है सर, हम ऐसा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह एन को वन पुट करते हैं। एन को जैसी वन पुट करा तो मेरे पास यहाँ पर ए क्या आ गया है, मेरे पास ये वैल्यू बनी ऊपर वन का अभी कुछ नहीं पता, ऊपर वन के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, नीचे आएगा टू। ऊपर एम के ऊपर क्या कंडीशन है भाई, जो भी वैल्यू आ रही है 2^n कर कर, चाहे एन की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, उससे छोटा जितने भी ऑड नंबर होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे, है ना? ये क्या हो जाएगा मेरे पास सर, 2 से छोटा एक ही ऑड नंबर है वो हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1/2। तो सर सिर्फ और सिर्फ ए वन के अंदर तो सिर्फ यही कंडीशन आ रही है, एन इज इक्वल टू 1 विच इज ए वन। अच्छा ठीक है सर, एन इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं तो वो ए टू आएगा, जैसे ही एन इज इक्वल टू 2 मैंने माना तो वो कितना हो गया 2/2 स्क्वायर बना तो वो 4 हो गया,
फोर से छोटे कितने ऑड नंबर हैं? सर वन होगा और एक थ्री होगा, तो एक आंसर आएगा 1/2 रेस टू पावर 2, एक आंसर आएगा 3/2 रेस टू पावर 2। मानते हो इस बात को? यस सर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एन को थ्री पुट करा तो मेरे पास यहाँ पर ए थ्री बनेगा, तो वो कितना आएगा 1/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3, 5/2 की पावर 3, 7/2 की पावर 3। ये चार पॉइंट आएंगे क्योंकि सर 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 से छोटे कितने ऑड नंबर हैं 1, 3, 5 और 7। ये चार पॉइंट आ रहे हैं। यस, ये चार पॉइंट आ रहे हैं। बड़े आगे पक्का क्लियर है? अच्छा सर, आप ये बात इलेबोरेट कर पा रहे हैं? मैं तो कर पा रहा हूँ बेटा, आप लोग सोचो, आप लोग क्या ये इलेबोरेट कर पा रहे हैं? ए को 4 जैसे मैंने पुट करा तो 2 की पावर 4 बनता है 16। 16 से छोटे कितने नंबर हैं मेरे पास ऑड नंबर? तो सर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये पॉइंट है। तो इसका मतलब सर 1/2 की पावर 4 और 3/2 की पावर 4 लाइक दिस 15/2 की पावर 4, ये वाली वैल्यू आ रही है। सर आपने एक बात यहाँ पर नोटिस करी, सर आप जैसे जैसे एन को बढ़ाते चले जा रहे हो, एक बार 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, एस ऑन एस जितनी वैल्यू ये बड़ी होती चली जाएगी, ये उतनी ही वैल्यू जो है जीरो की तरफ टेंड करता चला जाएगा। एनालिसिस कर पा रहे हो? जितनी एन की वैल्यू, अब अगला क्या होगा 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 लाइक दिस। जितनी ये वैल्यू डिनोमिनेटर की बड़ी होती चली जा रही है, उतनी ही वैल्यू ये हमारे पास क्या हो रही है, जीरो होती चली जा रही है। सर हाउ कैन इट इज पॉसिबल? ऊपर वाला एम भी तो चेंज हो रहा है, ऊपर वाला एम भी तो इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये भी तो सर इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। जब मेरे पास यहाँ पर अब एक ऐसा कंपैरिजन हम लगाते हैं कि दोनों ही मेरे पास ये m और ये 2 रेस टू पावर n, क्योंकि m और n मेरे नेचुरल नंबर से के पास आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही इन्फिनिटी को जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, नीचे वाली की जो टेंडिंग पावर है इन्फिनिटी की तरफ वो फास्ट है एज कंपेयर टू m। m की टेंडिंग पावर जो इन्फिनिटी की तरफ है वो क्या है, स्लो है। तो मेरे पास अगर ऊपर कोई स्लो वैल्यू रह गई और नीचे पहले ही इन्फिनिटी हो गया, ऊपर अभी कोई फाइनाइट वैल्यू, नीचे पहले ही इन्फिनिटी हो गया, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी वो जीरो हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि ये इन्होंने CSIR नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ये पिछले प्रीवियस ईयर में, ये नेट का क्वेश्चन है ये जो मैं जैम में करवाता हूँ। बात समझ आई कि ये जो एम है वो भी इन्फिनिटी की तरफ को तो जा रहा है, लेकिन उसकी टेंडिंग पावर एज कंपेयर टू 2 रेस टू पावर n वो स्लो है। क्यों? देख लो यहां पर, यहां 3 है, यहां 8 है। 3 बड़ा या 8 बड़ा? वो आप लोग मुझसे अच्छे, मेरे से अच्छे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो, है ना? सिमिलरली जब ये 2 रेस टू पावर 10 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो 3/2 रेस टू पावर 10 होगा। मानते हो इस बात को? अगर वो 2 रेस टू पावर 1000 है तो कहीं ना कहीं 3/2 रेस टू पावर 1000 होगा, ऐसा भी मानते हो? यस। तो सर ये पूरा का पूरा जो है, ये जो ए एन नंबर आने वाला है ये टेंड कर रहा है जीरो को, लेकिन ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इसका क्या बन गया, एलपी बन गया। जीरो इसका एलपी बन गया। बड़े यस आगे सर, यस सर। पक्का? यस सर, ये जीरो सबसे इसकी छोटी स्मॉल वैल्यू है। अच्छा ठीक है, अब एक बार और, अब हम इसको यहाँ पर एक बार और इलेबोरेट करते हैं, थके नहीं अभी तक हम लोग, एक बार और करते हैं, देखना 1 मिनट के लिए। अब मेरे पास यहाँ पर अभी भी ए के पास क्या वैल्यू है सर, वो एम होना चाहिए, 2 रेस टू पावर n होना चाहिए। एम की वैल्यू 2 रेस टू पावर n से छोटी और पॉजिटिव। एम और एन क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, और एम क्या होना चाहिए, मेरा ऑड नंबर। अब आपको ये बात ध्यान में है कि अगर हम 2n में से एक माइनस कर देते हैं तो वो हमेशा ऑड आता है। आप कोई भी n की वैल्यू ले लो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ भी ले लो आप, इवन आपका n अगर 3 भी है, मतलब वो n खुद ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 दैट इज 7,
सेवन क्या होता है? एक ऑड नंबर। इसका मतलब सर हम ऊपर वाले एम को ये पुट कर दें, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया भाई 2^n-1 अपॉन 2^n। और यहां पर सीधी सरल भाषा में मैंने बात बोल दी कि एन जो है वो नेचुरल नंबर है। अब एन क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 2000, इन्फिनिटी गया वो इन्फिनिटी की तरफ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 2^n-1/2n। ओहो सर ये तो बचपन में बहुत बार सॉल्व करा, 11th के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन, 2 by n से डिवाइड कर दो तो सर ये बन जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2^n। ऊपर वाली वैल्यू फिक्स है, ये नीचे वाली बड़ा होता चला जा रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ चली गई? जीरो की तरफ टेंड कर गई। नीचे वाली इन्फिनिटी है, 1/ जीरो हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। तो इसका मतलब ये जो मेरा पूरा का पूरा सेट है, ये ए जो है ये मेरे पास 1 और 0 के बीच में इस तरीके से कुछ लाइक कर रहा है। 0 इसका क्या हो गया? इन्फीमम। 1 क्या हो गया इसका? सुप्रीमम। ये क्या हो गया हमारे पास इसकी स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट, और ये क्या हो गया इसका लार्जेस्ट लिमिट। बात क्लियर हुई क्या? यस सर, क्वेश्चन ने आपको थैंक अच्छे यू तरीके क्लियर। से समझा दिया। यस सर, यस, तो ये इसका बना लिमिट पॉइंट। अच्छा सर 1 तो आया ना कहीं, 1 भी आ रहा है 0 भी आ रहा, तो इक्वल हो गया ना, यही तो बात हुई यहाँ पर, है ना सर? दोनों तरफ से इक्वालिटी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लोज इंटरवल 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब हम ये बात बोल दें, ये जो ए सेट है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है आप लोगों का? क्लोज इंटरवल 0 to 1 में। सर एक्सप्रेशन ही गलत लिखा है आपने, सर एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग होता है ना, है ना, सेट सेट के अंदर कंटेन होता है, ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। यस, मैं जानबूझ के आप लोगों के साथ इस तरह की गलती करता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि हर चीज कहाँ पर कैसे लगनी है। जैसे इंग्लिश के अंदर टेंसेस का अपना बहुत बड़ा योगदान है ना, बहुत बड़ा है ना, अगर आप लोग फ्यूचर टेंस में पास्ट टेंस लगा दोगे तो बात का कुछ और बतंगड़ बन जाएगा। इसलिए मैथ्स के अंदर भी अगर ये एक्सप्रेशन कहीं और लगा दोगे ना तो इनका बतंगड़ बन जाएगा, मैथ्स आपको क्षमा नहीं करेगा, फिर मत कहना। तो ये इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to 1। सर ये एक तरीके का इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। हाँ सर छोटे बच्चों के मामले में ये इनफाइनाइट है, लेकिन हमें पता ही अनकाउंटेबल है, हम ऐसा बोल देते हैं कि ये मेरे पास इनफाइनाइट है। लेकिन सर ये बाउंडेड भी है, 0 और 1 के बीच में बाउंड है, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है? 0 और 1। तो क्या मैं यहां पर ये लाइन इंप्लाई कर सकता हूँ, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट? देख सकते हो कड़ी के साथ कड़ी जुड़ चुकी है, मतलब कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट जुड़ता हुआ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्ट यहाँ पर बना इंप्लाई करके, दैट इज एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ लिमिट पॉइंट, उनका ये बना लिमिट पॉइंट, उनके पास लिमिट पॉइंट होगा, ये परम सत्य है। ठीक है जी, बढ़े आगे पक्का। तो जितना अभी तक हम लोगों ने एलपी के ऊपर बात करनी थी वो उसके कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत है। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर, ओके, कौन लेफ्ट कर गया? प्रमोद। चलो ठीक ओके। हेलो जी, आ रही है आवाज? आगे बढ़ते हैं। जैसा हम लोगों ने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा था, उसकी कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, सेम हम लोगों ने लिमिट पॉइंट पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। आइए नेक्स्ट टॉपिक का स्वागत करिए, स्वागत है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज द
कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ ए का कलेक्शन अब हम यहां पर लेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। बड़े आगे पक्का क्लियर है? यस, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर मैंने ए को ऐसा कुछ लिया, मान लो कि वो एम अपॉन टू रिस्ट टू पावर एन है, एम बिलोंग करवा दिया मैंने अब इंटीजर से और एन बिलोंग करवा दिया मैंने नेचुरल नंबर से, तो ऑब्वियसली अब ये नेगेटिव की तरफ को भी आ रहा है और पॉजिटिव की तरफ को भी आ रहा है, और ये दोनों, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, अब इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले एन सिर्फ एम जो है सिर्फ ऑड हो सकता था, अब ये क्या है, एम की वैल्यू इवन भी हो सकती है, एम की वैल्यू ऑड भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज हो सकती है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल दोनों वैल्यूज हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि सर हमारे पास यहाँ पर अब सर कोई भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन टू रिज टू पावर समथिंग, वो कोई ना कोई रियल नंबर तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा ही आएगा। अब उस रियल यस नंबर के सर, कोरस्पॉन्डिंग आप यहां पर अप्लाई कर दो, यहां पर सोचना थोड़ी देर के लिए कि आप उस पर्टिकुलर रियल नंबर के अकॉर्डिंगली, पर्टिकुलर जो मैं यहां पर रियल नंबर मैंने यहां पर लिया है, पर्टिकुलर रियल नंबर के अकॉर्डिंगली मेरे पास वो पर्टिकुलर रियल नंबर, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लिमिट पॉइंट बनेगा। वो पर्टिकुलर रियल नंबर हमारा लिमिट पॉइंट बनेगा, उसको चेक करना है अब हमने सिर्फ। अगर ये पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट हमारा पर्टिकुलर रियल नंबर लिमिट पॉइंट बन गया तो ठीक है, अदरवाइज वो कलेक्शन में नहीं आएगा। और आपको बड़ी जानकर हैरानी होगी कि वही रियल नंबर आप देख लेना, अब क्योंकि ये एक तरीके का रियल नंबर आ रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि सर रियल नंबर सिस्टम के अंदर, रियल लाइन के अंदर मैंने कोई भी पॉइंट लिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल बनाऊंगा, तो उसकी इंटरसेक्शन एक्सेप्ट दिस पॉइंट वो तो नॉन एम्प्टी आएगी आएगी, ये भी लिमिट पॉइंट, ये वाला भी लिमिट पॉइंट, ये भी लिमिट पॉइंट, ये भी लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, सारे लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब इस सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या बन रहेगा, वो पूरा का पूरा आर बनेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, आर बनेगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? ज्यादा डीप में तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? यस एवरीवन, बड़े आगे पक्का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड सेट। इसका नाम बन जाता है अब डिराइव्ड सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव सेट। क्लियर है? कंफर्म? बढ़े आगे जी। ठीक है जी, चलो अब कल का लेक्चर हम लोग जो है डिराइव सेट से आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज अभी तक का जितना भी मैंने आप लोगों को करवाया है, नेबरहुड का पॉइंट एक बार पढ़ के आओ, इंटीरियर पॉइंट पढ़ के आओ, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट जो मैंने बताया वो पढ़ के आओ, और आज जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स करवाए हैं, आज का लेक्चर जो आज का लेक्चर आज डेट क्या, आई थिंक 25 तारीख है ना, तो 25 फरवरी वाला लेक्चर भी पढ़ कर आओ। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास बनेगा, 25 फेब वाला लेक्चर भी आप लोग जो है एक बार पढ़कर जरूर आइएगा आज। अब मैं आगे आप लोगों को करवाऊंगा एस डैश डिराइव सेट के ऊपर और भी कुछ बातचीत, कि डिराइव सेट कैसा होता है, किस तरीके से मिलता है ना, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर का डिराइव सेट, इरेशनल नंबर का डिराइव सेट, नेचुरल नंबर का डिराइव सेट, इंटीजर्स का डिराइव सेट, वो सारी बातचीत हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ पहले लेक्चर्स को एक बार ज़रूर पढ़ कर आना, नोट्स जो आप लोगों के बने हुए हैं उनको एक बार ज़रूर देख कर आना। टिल देन, यस सर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, वो आगे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। हमारे बी एच यू सॉरी BHU और DU वाले जो बैच में, उसमें अभी तक जो हमारी एनरोलमेंट हो चुकी है वो 280+ एनरोलमेंट हो चुकी है उस बैच में।
लेकिन अभी तक आईआईटी जैम बैच स्लो क्यों है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो प्लीज आप सभी लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें कि हाँ ठीक है, अगर पेमेंट देनी है तो एक अच्छी जगह पर, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लाइव क्लास में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। यस कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलो भाई। नो डाउट अभी तो नहीं। ठीक है जी, ठीक है सुष्मिता, बाय बाय, ओके मिलते ठीक हैं। है।